ओके गाइस, तो आज है डे 11 और डे 11 का पहला क्वेश्चन जो कि आईआईटी दिल्ली 2024 से रिलेटेड है। ओके तो गाइस चलिए डे 11 का हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपका आईआईटी दिल्ली 2024 क्वेश्चन नंबर 46 सेट बी। ठीक है, तो इस बार का जो पेपर था इसमें दो सेट था, सेट ए और सेट बी। तो ये सेट बी का क्वेश्चन नंबर 46 है। ठीक है, क्वेश्चंस गाइस आपको गिवन है कि अ मास्टर स्टूडेंट इज यूजिंग डेटा फॉर अ फ्रॉम अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ एन इक्वल टू 20 मेल आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट टू एस्टिमेट द पैरामीटर ऑफ ए रिग्रेशन इक्वेशंस। ठीक है, तो आपको रिग्रेशन इक्वेशंस भी गिवन है, दैट इज वाई इज इक्वल टू बीटा नॉट प्लस बीटा वन एक्स प्लस एरर टर्म्स। ठीक है, सिंपल सा रिग्रेशन आपको गिवन है और सैंपल साइज जो है वो 20 है और y जो है जो आपकी डिपेंडेंट जो वेरिएबल है ये बेसिकली वेट है। ठीक है, और x जो है आपका हाइट है और ये जो आपका एरर टर्म है। द एस्टिमेटेड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन विथ स्टैंडर्ड एरर इन पैरेंथेसिस बिलो द पॉइंट एस्टिमेटेड इज रिपोर्टेड बिलो। तो ये आपका जो है एक रिग्रेशन इक्वेशंस है। ठीक है, तो सैंपल लेके जो सैंपल था 20 इसको लेके जो एस्टिमेटेड किया गया और एस्टिमेटेड करने के बाद ये वैल्यू आया। ठीक है, और ये जो पैरेंथेसिस में है ये इसका स्टैंडर्ड एरर है। आपको यहाँ पे गिवन है कि स्टैंडर्ड एरर जो उसके पैरेंथेसिस में गिवन है। ठीक है, ओके, द स्टूडेंट इज टेस्टिंग द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। ठीक है, तो दैट इज नल हाइपोथेसिस एच नॉट when beta 1 equal to 0, when there is no significance, or alternate hypothesis when beta 1 equal to 0, ठीक है, आपको given है। Then आपको questions पूछा गया है कि what is the value of appropriate test statistics of a testing H naught? ठीक है, H naught को test करने के लिए ये test statistics की क्या appropriate value आनी चाहिए? तो guys, यहाँ पे जो basic statistics का concept use होता है, यहाँ पे sample size कितना है 20 है, तो जब भी सैंपल साइज लेस देन 30 होता है तो हम लोग कौन सा स्टेटिस्टिक्स यूज करते हैं, टी स्टेटिस्टिक्स यूज करते हैं। और टी स्टेटिस्टिक्स का गाइस एक बेसिक फॉर्मूला होता है, दैट इज दिस द वैल्यू ऑफ टी, द वैल्यू ऑफ टी, सो टी का जो वैल्यू आता है दैट इज बीटा वन हैट माइनस बीटा वन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। ठीक है, ये इसकी टी स्टेटिस्टिक्स की वैल्यूज होती है। और गाइस आपको हर चीज गिवन है, बीटा वन हैट की वैल्यूज गिवन है और बीटा वन की वैल्यूज है एट एच जीरो पे और स्टैंडर्ड एरर भी आपको पता है, जस्ट इस वैल्यूज पे आपको पुट करना है। ठीक है, ओके गाइस, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी 22 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, जो कि आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेएम 2025 के लिए है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, ये टॉपिक वाइज क्वेश्चंस होगा सारे सब्जेक्ट का, माइक्रो मैक्रो स्टैट्स मैथ्स इकोट्रिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये काफी कंप्रिहेंसिव और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस होंगे सारे ऑप्शंस का ऑफ दैट रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चंस होंगे विद टॉपिक वाइज। जैसे कि अगर मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर, तो कंज्यूमर बिहेवियर में जितने भी क्वेश्चंस हैं आईआईटी गेट प्लस आईआईटी जेएम प्लस डीएससी प्लस डीएससी प्लस आईएसआई। ठीक है, तो ये जो टॉप इंस्टीट्यूट है इसके पूरे टॉपिक वाइज सारे का माइक्रो मैक्रो स्टैट्स मैथमेटिक्स सारे का विद टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चंस के प्रॉपर सॉल्यूशंस कंप्रिहेंसिव डिटेल एक्सप्लेनेशंस आपको दिया जाएगा। तो गाइस आई होप कि जो है ये बैच जो है आपको बिल्कुल ज्वाइन करनी चाहिए, मिस मत कीजिएगा। ठीक है, और इसमें अनलिमिटेड डाउट है। ठीक है, अनलिमिटेड डाउट आप पूछ सकते हैं और एक कंप्लीट होने के बाद आपको जो है बिफोर एग्जाम, ठीक है, बिफोर आईआईटी गेट और आईआईटी जेएम आपको 3 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन दिस कोर्स। ठीक है, और मेनी मोर ऑफ दिस कोर्स फीचर्स। ओके ओके गाइस, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चंस में जो आपको बेसिकली यहाँ पे हम लोग जाने की जो भी टी स्टेटिस्टिक्स वहां पे टी होगा, क्यों, क्योंकि सैंपल साइज लेस देन 30 है, मतलब 20 है। ठीक है, तो लेस देन 30 है, तो जब भी टी की सैंपल साइज लेस देन 30 होती है तो हम वहां पे टी स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं और जो टी का वैल्यू होता है दैट इज बीटा वन हैट माइनस
बीटा वन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट, ठीक है, ये इसकी वैल्यूज होती है। ओके ओके, तो अब यहाँ पे गाइस आपको हर चीज गिवन है, हर चीज गिवन है। बीटा वन हैट, दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा वन हैट गाइस, ये आपको रिग्रेशन लाइन है, ये एस्टिमेटेड है, ठीक है। ये सैंपल लेके रिसर्चर जो है, जो भी मास्टर स्टूडेंट है, वो रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद ये एस्टिमेटेड वैल्यूज है, दैट इज वाई हैट इज इक्वल टू बीटा नॉट हैट, ये बीटा नॉट हैट की वैल्यू है और प्लस बीटा वन हैट की वैल्यू है। तो यहाँ पे बीटा वन हैट की वैल्यू क्या, टू है, ठीक है। और ये जो पैरेंथेसिस में है, ये बीटा वन हैट की स्टैंडर्ड एरर है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट की वैल्यू क्या है, 0.5, 0.5, ओके। और बीटा वन का वैल्यू एट एच नॉट, आपको एट एच नॉट पे निकालना है, और एट एच नॉट पे बीटा वन की वैल्यू क्या है, जीरो है, बीटा वन की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये सारे वैल्यूज जो है आपको फार्मूला में पुट कर देना है, यू विल गेट द वैल्यू। सो बीटा वन हैट की वैल्यू क्या थी, टू, सो दैट इज टू माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है। सो टू इंटू 0.5, ये ऊपर जाएगा टू, ठीक है, तो टू इंटू टू दैट इज फोर, तो गाइज आपका फोर आंसर होगा, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्टेटिस्टिक्स ऑफ टेस्टिंग एच नॉट इज फोर, ओके। तो गाइज ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, t इज इक्वल टू बीटा वन हैट माइनस बीटा वन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ बीटा वन हैट। और गाइज यहाँ पे आपको सारी चीज गिवन है, जस्ट आपको पुट करना फार्मूला पे, और कौन से कंडीशन में यहाँ पे गिवन है कि एच नॉट पे, ठीक है, एच नॉट पे, तब उसके एक अप्रोप्रिएट वैल्यूज आएंगे। सो अप्रोप्रिएट वैल्यू इज फोर, ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके गाइज, थैंक यू।